हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर सिंपल क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो पैटर्न करने के लिए फैब्रिक लिया है वो है 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 4 इंचेस, यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 4 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10 इंचेस, और यहाँ पे लूँगी मैं कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके 1 इंच ऐड कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के दो पीस होंगे हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और हम इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे। तो वो होगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट का। तो इसी शेप में हमें 2 पीस और कट कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है जिसे हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 32 इंचेस, और लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 20 इंचेस। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा टॉप का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखेंगे, और दोनों को अच्छे से मिलाना है यहाँ पे। उसके बाद हम आर्म होल, ये जो हमारा स्ट्रेट पार्ट है, और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल, ये स्ट्रेट पार्ट, और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है। बैक साइड पे आपको इस तरह से टर्न कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से दोनों पार्ट्स को हमें टर्न करना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 पॉकेट लगाने हैं जिसकी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें पॉकेट लगाने हैं। इस तरह के मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। कोई भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 8 इंचेस, चौड़ाई मैंने ली है 5.5 इंचेस के करीब। ये हमारा सेंटर का मार्क है। यहाँ से हम 8 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे, सॉरी 6 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। तो ये हमारा मार्क। अब यहाँ से हमें ये जो हमारा सेंटर का मार्क है 6 इंचेस डाउन पे, यहाँ से हम 5 इंचेस इस तरफ मार्क करेंगे,
और 5 इंचेस हम इस तरफ मार्क करेंगे। दोनों तरफ हमें 5 5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। जहाँ पे हमने इसकी बॉर्डर को हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ऊपर की जो बॉर्डर है उसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दोनों बॉर्डर को हम फोल्ड करना है। देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई थी वहाँ पे हमें इसे इस पॉकेट को लगाना है। तो इस तरह से फोल्ड करना है, फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से हमें कवर सिलाई लगा के इस पॉकेट को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे भी हम पॉकेट को फिक्स करेंगे। तो इस तरह से दोनों पॉकेट को हमने फिक्स कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। और इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है इस पर भी हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से सेपरेट करेंगे और इसे हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इस तरह से हमें यहाँ पे गैदरिंग बनानी है। इसी तरह से बैक के पार्ट में भी हमें गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना दी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से बड़ी सी बॉर्डर हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने बनाई है जिसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस के करीब। यहाँ पे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे लॉक कर लेना है। और इसी तरह से हम दूसरा एंड बैक साइड पे लगाएंगे तो ये स्ट्रिप यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे और यहाँ पे इसे हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे हम फ्लावर लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। और ये जो हमारा पॉकेट है यहाँ पे भी हमें फ्लावर लगा के इसे डेकोरेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फ्लावर लगा दिए हैं। थ्रेड और नीडल से मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे फैब्रिक फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है। इसे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।